वहीं हजारीबाग में आगे बढ़ते हैं। झारखंड में चुनाव की घोषणा होते ही हजारीबाग में भी राजनीतिक फिंजा में हलचल तेज हो गई है। सभी दलों में अपनी अपनी तैयारियां अंतिम चरण पर हैं। हजारीबाग में भी तैयारियां अंतिम चरण पर है, वहां भी तैयारियों में तेजी है, काफी तेजी देखने को मिल रही है हजारीबाग में भी चुनाव को लेकर। हजारीबाग से हमारे संवाददाता शशांक शेखर लगातार वहां से राजनीतिक अपडेट पर नजर रखे हुए हैं। आइए सीधे उन्हीं से हजारीबाग के ताजा राजनीतिक मिजाज को समझते हैं। शशांक जी, हजारीबाग में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसे ही चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा की है, हजारीबाग में राजनीतिक दलों में भी खेमे में भी हलचल तेज हो गई है। अगर बात करें हजारीबाग की, तो यहाँ 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें बरही, बरकट्टा, हजारीबाग, मांडू और बड़का गांव क्षेत्र शामिल है, जिसमें से 4 विधानसभा क्षेत्रों में प्रथम चरण में चुनाव होने हैं। 1 विधानसभा क्षेत्र जो कि मांडू है, उसमें द्वितीय चरण में चुनाव होने हैं। अगर तैयारियों की बात की जाए, तो जैसे ही चुनाव आयोग के तारीख की घोषणा हुई है, सोशल मीडिया पे जो है कुछ नाम तेजी से वायरल हो रहे हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और किसी भी पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा हजारीबाग के किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं किया है। एक पार्टी जेएलकेएम ने सदर विधानसभा से और बटकटा विधानसभा से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, अन्य किसी पार्टियों की प्रत्याशियों की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। अगर बात करें हजारीबाग की, तो हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र से अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए, तो प्रदीप प्रसाद जो कि भाजपा नेता है, उनके नाम पर काफी चर्चा हो रही है। हालांकि इसके अलावा अमित सिन्हा का नाम भी सामने आ रहा है, शेफाली गुप्ता का नाम भी सामने आ रहा है, हर्षद मेहरा का नाम सामने आ रहा है। लेकिन अगर सोशल मीडिया पोस्ट की बात करें, तो सोशल मीडिया पे प्रदीप प्रसाद का नाम काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और वही सदर विधानसभा से अगर कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस से सोशल मीडिया पर मुन्ना सिंह का नाम काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इनके साथ साथ विनोद कुशवाहा का भी नाम सामने है, अंबा प्रसाद की जो बहन है अनुप्रिया साव, उनका नाम सामने है, और पिछले बार इंडिया गठबंधन से विधानसभा के उम्मीदवार रह चुके आरसी मेहता का भी नाम सामने है। तो इन सभी नामों पर चर्चा तेजी से हो रही है, कुछ नामों की चर्चा ज्यादा हो रही है। लेकिन अभी तक दोनों ही बड़े पार्टियों ने, यानी कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन ने, अपने प्रत्याशी के नाम की चर्चा नाम पे मोहर नहीं लगाया है। और अभी यह चर्चा का बाजार है, चर्चा का बाजार गर्म है, और संभवतः आज उम्मीद है कि दोनों ही पार्टियां या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दे हजारीबाग संसदीय सीट, हजारीबाग के सभी विधानसभा सीटों के लिए। बड़का गांव की अगर बात करें, तो वहां से कांग्रेस की अंबा प्रसाद विधायक हैं, और कांग्रेस से ऐसा उम्मीद है कि फिर से वह उम्मीदवार हो सकती है। यह सीट एनडीए गठबंधन में पिछले बार आजकू के पास था, चूंकि पिछले बार यहाँ से आस्तू ने और बीजेपी दोनों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार सीट शेयरिंग में आस्तू को जाता हुआ दिखाई दे रहा था। हालांकि अभी अभी जो कुछ दिनों से यह चर्चा हो रही है कि बड़का गांव विधानसभा से बीजेपी चुनाव लड़ेगी और उसके बदले मांडू विधानसभा क्षेत्र आस्तू को दिया जाएगा, तब देखना यह होगा कि बड़का गांव में कौन चुनाव लड़ता है। बीजेपी अगर चुनाव लड़ती है, तो किसे उम्मीदवार बनाती है। अगर बरही विधानसभा की बात की जाए, तो बरही विधानसभा से मनोज यादव, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, बिहार सरकार में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, पूर्व विधायक भी है वहां के, तो उनके नाम की काफी तेजी से चर्चा है। सोशल मीडिया पर उनके नाम से काफी पोस्ट आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ सुनील साहू का भी नाम सामने आ रहा है। वहां से कांग्रेस से उमा शंकर अकेला, जो वर्तमान विधायक है, उनका नाम सामने आ रहा है। साथ ही साथ पूनम यादव का भी नाम सामने आ रहा है। तो अब आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। अब देखना यह होगा कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन किस नाम पर मोहर लगाता है और किसे अपना उम्मीदवार हजारीबाग के तमाम विधानसभा सीट से बनाता है।